बिहार के हाजीपुर में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब ये राजद और कांग्रेस के लोग केंद्र में सरकार चला रहे थे तो उन्होंने 10 वर्षों में केवल 35 लाख रुपए जब्त किए थे। मोदी ने उन चोरों के घरों को भी खोज की जिन्होंने डकैती की थी। पिछले 10 वर्षों में मोदी ने गरीबों का 2200 करोड़ रुपए जब्त कर लिया है। अगर उस पैसे को ले जाना है तो 70 छोटे ट्रकों की आवश्यकता होगी। पीएम मोदी ने कहा कि आरजेडी कांग्रेस की प्राथमिकता आप लोग नहीं बल्कि उनका अपना परिवार है। जब केंद्र में ये आरजेडी और कांग्रेस वाले सरकार चलाते थे तब ये ईडी जो कर रहे हैं ना, ये क्यों चिल्ला रहे हैं मैं बताता हूं। ये ईडी ने उस समय कितना रुपया जब्त किया था मैं बताऊं? उस समय उन्होंने कांग्रेस के 10 साल में सिर्फ 35 लाख रुपया जब्त किया था। पूरे देश में से 10 साल में 35 लाख रुपये, मतलब जो बच्चा स्कूल जाने का बैग लेके जाता है ना, वो बैग में आ जाए, स्कूल बैग में भर जाए, इतने 35 लाख रुपया जब्त किया था। और चोरी करने वाले चोरी कर रहे थे। मोदी ने ये जो चोरों ने रुपया पैसा गरीबों का लूटा है उनके यहां सर्च की, 10 साल में मोदी ने कितना रुपया जब्त किया बताऊं? मोदी ने 2200 करोड़ रुपया जब्त किया है। उन्होंने जो पैसा जब्त किया था वो स्कूल बैग में आ जाए इतना था। मोदी ने जो पैसा जब्त किया है, अगर तुम पैसों को ले जाना है तो जो छोटे ट्रक आते हैं ना, 70 ट्रक लगते हैं, 70 ट्रक 70 कहां एक स्कूल बैग वाला पैसा और कहां 70 ट्रक भर करके पैसा। और ये चोरों को नींद उड़ गई है और इसलिए